नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी पार्ट टू की। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे विटामिन और उससे जुड़े रोग, कि विटामिन से जुड़े कौन कौन से रोग होते हैं, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजी के हमने एक वीडियो बनाया था पार्ट वन, हमने उसमें डिस्कस करा था पाचन तंत्र के बारे में। और इस बुक से संबंधित काफ़ी सारे वीडियो आपको मिलेंगे घटना चक्र प्लेलिस्ट के अंदर। आप वहाँ पर जाकर के इन सभी जो ये बुक है, इसमें जो भी चैप्टर दिए गए हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम का टाइम रियल में बहुत कम बचा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पर ही आप ज़्यादा फोकस करें। वो सभी क्वेश्चंस आप रीड करें अच्छे से, और क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करेगा वो समझें। अगर इस बुक में कोई क्वेश्चंस आपके सामने दिया गया है, तो उसमें वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज को चेंज कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चंस पूछेगा सेम वही, लेकिन थोड़े से लैंग्वेज का हेर फेर कर देता है। तो ये स्किल्स अपने अंदर आपको डेवलप करनी है। ये मैं आपको कई सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपको क्वेश्चंस कैसे रीड करना है, ये स्किल्स कैसे डेवलप होगी, और कितनी प्रायोरिटी बेस पे ये स्किल्स आपको डेवलप करने ही करनी पड़ेगी, और कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करें सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। उनको शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सिलसिला, इस वीडियो का जो मैं बनाऊंगा, तो ये सिलसिला केवल आपके मोबाइल तक ही सीमित ना रहे। आपके मोबाइल पर एक आइकन होगा शेयर का, शेयर पर क्लिक करिए। आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, ज़रूर करिएगा। और उसी को शेयर करना है जो तैयारी कर रहा हो कंपटीशन की, उसको शेयर नहीं करना है जो बच्चा आपका फ्रेंड और सीए कर रहा है, तो सीए में उसको करंट अफेयर का क्या मतलब, बताओ मुझको। अगर आपका फ्रेंड कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको शेयर करोगे तो बेकार है, ठीक है। तो शेयर उसको करो जो जिसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ, देखिए आज का अपना ये वीडियो, और इसका शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए परीक्षाओं में पूछा गया है, प्रीवियस परीक्षाओं में, और ये कब पूछा गया, पहला क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2007 में। इसमें पूछ रहा है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है क्या, अगर विटामिन B6 की कमी हो जाए तो उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरक्तता। क्या नाम है? अरक्तता। अब देखिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट कि एग्जाम में कौन कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो हमसे पूछता है। मैक्सिमम जो पूछता है क्वेश्चन नंबर वन जो हमने पढ़ा, इसमें B6 के बारे में पूछेगा, और बात करेगा विटामिन डी के बारे में, विटामिन सी के बारे में, और विटामिन बी के बारे में, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताऊंगा, B6 होता है बेरी बेरी। आप देखिए यहाँ पर बा वर्ड यूज करा गया है विटामिन बी, और यहाँ वर्ड यूज करा है बा बेरी, ठीक है। बेरी बेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी बे से हो रही है, तो विटामिन बी से बेरी बेरी, और सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, तो यहाँ पे सह आ रहा है, और यहाँ पे आपका सह आ रहा है स्कर्वी। और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। आपसे सबका सब ये पूछता है विटामिन, आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके किसने किसी एग्जाम में ये पूछ लेता है, तो आप याद रखिए किससे कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, अभी बोलिए मेरे साथ में, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और एक विटामिन और होता है, वो होता है विटामिन के। इसके बारे में शायद आपको पता होगा, खून का थक्का, मतलब कि अगर बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है, तो आपका खून का थक्का नहीं जमता है। अगर आपको चोट लगती है, तो आपकी उस स्किन से, उस चोट से खून बहता रहता है, बहता रहता है, ठीक है। अगर एक्सीडेंटल केस कोई होता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले उसके बॉडी में विटामिन के की जो मात्रा होती है वो बढ़ाई जाती है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। उसके बॉडी में इंजेक्शन दिया जाता है, विटामिन के का लेवल बढ़ जाता है, और खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन के देखा हमने, विटामिन बी देखा, विटामिन सी देखा, विटामिन डी देखा, और हमने देखा क्या, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है ये।
और इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? ठीक है, प्रमुख स्रोत क्या क्या होता है? हमें अगर विटामिन B6 की कमी है तो हमको क्या क्या खाना चाहिए? दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि। इसकी कमी से रक्तता हो जाती है, जिसको बोलते हैं एनीमिया। यह लाल रुधिरणियों तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। फिलहाल आपको बस केवल इतना याद रखना है जो मैंने आपको बताया, विटामिन B6, डी, सी और बी। ठीक है, विटामिन बी सी डी की कमी से कौन सा रोग होता है वो। आगे हम बात करते हैं। देखिए अगेन इसमें हमसे कह रहा है कि मैश मेकिंग करो। विटामिन B1 की से किससे संबंधित है, मतलब 1 और 2 जोड़े दिए गए हमको, तो सुमिरन है विटामिन B1। आप डायरेक्ट इसको नोट करिए अपनी नोटबुक में और इसको याद करिए। डायरेक्ट विटामिन B1 की जो होता है वो होता है थायमिन। विटामिन B6 होता है आपका पाइरेडॉक्सिन। विटामिन B2 होता है आपका राइबो फ्लेविन। विटामिन B12 होता है आपका साइनोकोबालमिन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। जैसे देखिए विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की। B6 के बारे में हमने बात करी थी और इसके साथ मैंने आपको ये बताया था शायद। चलिए आप उसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। इसका नाम है आपका राइबो फ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स है। ये सही है, हमने पहले क्वेश्चन में देखा। लेकिन इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अस्थि। बॉडी, बॉडी में जो बोन्स होती है तो वो क्या होती है, सबसे पहले प्रभावित होती है। तो विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है? विटामिन डी हमको प्राप्त होता है सूर्य से, सूरज से। कभी भी हम बच्चों की मालिश करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनकी मालिश करते हैं, और मालिश करने के बाद में हम क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ी सी देर के लिए धूप दिखा देते हैं। ठीक है, धूप में उसको सुला देते हैं, उसको नींद मालिश के बाद बहुत अच्छी आती है, बच्चों को कहते हैं। और जब वो धूप जब वो गेन करते हैं अपनी बॉडी में, अब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स है। ये तो सही है कि रिकेट्स होता है, ये हमने सीखा अभी अभी हमने देखा। लेकिन कौन सा अंग प्रभावित होता है ये हमको नहीं मालूम था। तो अंग प्रभावित होता है आपका अस्थि। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रिकेट्स। देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी उसने, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट उसने पूछ लिया कि बताइए भाई विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, प्यारे बच्चों बताओ। तो ठीक है, तो उसका नाम क्या है, रिकेट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। क्या बच्चों की जो अस्थियां होती हैं बहुत जल्दी क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, मुड़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी की कमी के कारण ऐसा होता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि छोटे बच्चों की मालिश टाइम टू टाइम करनी चाहिए, अगर नहीं करते तो उनकी बॉडी की जो मतलब जो बोन्स होती है वो कमजोर हो जाती है। और विटामिन डी अनिवार्य है, आखिरकार क्यों विटामिन डी अनिवार्य क्यों है, तो इसके बारे में यह कि भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, भोजन में जो कैल्शियम होता है वो अवशोषण करता है क्या, विटामिन डी। अगर विटामिन डी नहीं होगा भोजन में, जो कैल्शियम होगा वो अवशोषण नहीं कर पाएगा। अगर कैल्शियम की कमी होगी बॉडी में तो बहुत सारी मुसीबत का सामना अपनी बॉडी को करना पड़ सकता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी बहुत फास्ट हमारी बॉडी में बन जाता है। थोड़ी देर धूप में बैठो, विटामिन डी गेन करो, चलते बनो। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, यह है कैल्सीफेराल। आप लिख लीजिए कैल्सी। कैल्सी क्या है आपका, कैलकुलेटर को हम बोलते हैं कैल्सी। ठीक है, कैलकुलेटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कैल्सी। अगर आप मांगते हो किसी से यार कैल्सी चाहिए, तो कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा कि हाँ कैलकुलेटर चाहिए। तो कैलकुलेटर के ऊपर लिख दीजिए डी। आपके पास कोई भी अगर कैलकुलेटर है, अगर मोबाइल पे है, उसको ओपन करिए और उसके ऊपर हाथ से लिख दीजिए, फिंगर से डी, कैल्सी डी, कैलकुलेटर डी, मतलब विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सी फेराल। देखिए क्या होता है कि कुछ रासायनिक नाम थोड़े टिपिकल होते हैं तो हमको याद नहीं होते हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा उनका निमोनिक मेथड बनाना पड़ेगा। निमोनिक मेथड क्या होता है ये आपको वॉकअप में पता होगा, प्लेलिस्ट आपने देखी होगी राजेश्वरी पब्लिकेशंस की। निमोनिक के माध्यम से हमने काफी सारे वॉकअप याद करी थी और अब हम कुछ इस तरह के वर्डों को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि रासायनिक नाम एक्चुअली बहुत टिपिकल नाम होते हैं, वो ऐसे याद नहीं होते। अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद नहीं होंगे आसानी से, तो इसलिए मैं कैल्सी मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के ऊपर लिखो डी। क्वेश्चन नंबर आया आपका, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ये करा गया था आपका सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है औषधि विज्ञान। क्या कहलाता है, औषधि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11, तंबाकू में निम्नलिखित क्या होता है? तंबाकू में क्या होता है मैक्सिमम, ये होता है आपका निकोटीन।
तंबाकू में निकोटीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है, निकोटीन आपकी चाय पत्ती में भी होता है, चाय में क्या होता है निकोटीन, आप याद रखिएगा। और देखिए लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, लोहे की कमी से, ठीक है, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका गाइटर, क्या नाम है उसका गाइटर। आगे बात करते हैं कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, ये हो जाती है हीमोग्लोबिन की, और आयरन की कमी से होता क्या है अरक्तता। छिली हुई सब्जी, सॉरी छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, यह है छिली हुई सब्जियों में जो हम सब्जियों को छीलते हैं और उसको धोते हैं उसके बाद में तो क्या होता है उसमें से कौन सा विटामिन फुर हो जाता है, फुर मतलब गायब हो जाता है, निकल जाता है, नष्ट हो जाता है, कुछ भी वो वर्ड यूज कर सकता है, फुर नहीं करेगा, ये फुर हमारा वर्ड है ठीक है, वो नहीं करेगा यूज एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मतलब जब सब्जियां धोई जाती है तो उसके बाद कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो ये हो जाता है विटामिन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, पूरा हुआ हमारा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन स्कर्वी सा सी, बेरी बेरी बी, ये बताया था मैंने आपको अभी, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, राइट। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, लो जी ये की बात पूछने की है, बिल्कुल पूछने की बात है, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में वीडियो देखते तो हैं, अच्छे से पढ़ते भी हैं, ठीक है, मेहनत कर भी रहे हैं, कई घंटे देते हैं एग्जाम मतलब अपनी तैयारी में। अब देखिए ये जो मैंने देखिए विटामिन तुम्हारा 16 और 17 देखिए, दोनों में जरा फर्क नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, वहां पूछा सी यहाँ पूछा विटामिन सी, दोनों में सेम ही है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी, यही स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्वेश्चन की यही स्किल्स आपके अंदर आनी चाहिए कि यार एग्जाम में अगर उसने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर ली, ऐसे पूछ लिया तो कहीं मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊं, या मैं क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हो ना, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो एक माइंड अलग सा एक ऑरा बन जाता है माइंड में बहुत तगड़े वाला, यार जो आता है ना बंदा वो भी भूल जाता है, फिर बाद में आके कहता है ओ शिट यार ये तो मैंने पढ़ा था यार, शिट कैसे गलत हो गया, फिर खुद पे काफी गुस्सा आता है, खुद पे काफी गुस्सा आता है कि यार कि इतने मैंने इतने मूर्ख वाले काम मैं कैसे कर सकता हूँ आखिरकार, फिर अपने आप को कोसते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, क्योंकि यार मेहनत करते हैं और छोटी मोटी सिली मिस्टेक लैंग्वेज की वजह से सही आंसर ना आ गया ना, तो यार अभी से मैं बच्चों आपको इसलिए थोड़ा आगाह कर रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसी गलतियां होती हैं और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी गलती आपसे ना हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ 2017 में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे पास कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि सर आई एम सिलेक्टेड इन दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट को सिलेक्टेड हूँ, मुझे ये तुम्हारा कैडर जो भी होता है मतलब करके आपका जो भी पोस्ट मिली है जिस स्टेट में मिली है जिस स्टेट के आप हो, तो मैं चाहता हूँ मेरा प्रयास यही है वीडियो को बनाने का कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्द से जल्द हो। और बात करते हैं आगे, फिलहाल की विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, यह है सिट्रिक फल मतलब खट्टे फल, खट्टे फल में क्या क्या आता है, खट्टे फल में आता है आपका नींबू संतरा मौसमी, क्या आता है नींबू संतरा मौसमी, ये सब आपका सिट्रिक फल के अंतर्गत आते हैं, आंवला भी आता है, टमाटर भी आता है और पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है, लेकिन मैक्सिमम जो विटामिन सी मिलता है वो मिलता है नींबू में संतरे में मौसमी में और आंवला में, किसमें नींबू संतरा मौसमी और आंवले में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, देखो बच्चों कि मैं ये स्क्रीन जो ऊपर नीचे कर रहा हूँ, पेज को जो मैं अप डाउन कर रहा हूँ, तो देखिए ये मुझे करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है, या तो उसके मेरे पास इसका सॉल्यूशंस बस और बस केवल ये है, एक बार एक पेज का व्यू बस केवल इतना आ सकता है, अब आप रीड कर सकते हैं इसको, अगर हाँ तो मैं वीडियो अब ऐसे ही बनाऊंगा, दिक्कत हो गई ना वो पढ़ने में और मुझे ही पढ़ने में दिक्कत होगी यहाँ पर, तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इस बुक को खत्म करने के लिए जूम लेवल हैवी करना पड़ेगा जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकें, अगर मुझे अप डाउन करने में दिक्कत नहीं तो आई होप आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी एक बात फाइनल बोलना चाहूंगा, देखो कमी निकालने वाले तो स्वर्ग में भी कमी निकाल देते हैं, ये तो फिर भी छोटी सी पीडीएफ फाइल है, एक किताब है। आगे बात करते हैं विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ये होता है अरक्तता, क्या होता है अरक्तता, और विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, अगर आप ऐसी बात करें तो आपको याद रखिएगा विटामिन सी का जो अन्य नाम है रासायनिक नाम जो है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है एस्कॉर्बिक एसिड, देखिए वो पूछता है ये नाम भी आपसे पूछता है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है एमटीएस 2014 के एग्जाम में, किसमें एमटीएस 2014 के एग्जाम में, तो इसलिए देखिए कहीं पर भी कोई भी गुंजाइश नहीं है गलती करने की, पहली बात तो ये है, और दुख तब बहुत होता है जब कट ऑफ 120 का जाए और तुम्हारे नंबर आए 119, तब एहसास होता है छोटी मोटी गलती होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, किस में मांसाहारी भोजन में आपको क्या नहीं मिलेगा कभी भी ताउम्र, वो होगा विटामिन सी, विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है नींबू
नींबू के वंश के जो जो भी होते हैं, द्वारा मौसमी हो गया, संतरा हो गया, ये सब नींबू कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है स्कर्वी, जैसे कि हमने पीछे देखा, ठीक है। किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी हमें मांसाहारी भोजन में कभी भी नहीं मिलता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मांस वगैरह नॉनवेज जो खाते हैं उनको पता तो होता है, ठीक है, इसके बारे में कि बड़ा प्रोटीन होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन कौन सा विटामिन नहीं होता है उसमें, जो उनको नहीं मिल सकता, वो होता है विटामिन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी। और आगे बात करता हूं मैं, देखिए यहाँ पर कि हरी पत्तेदार सब्जियां और कच्चा पत्ता गोभी या कच्ची पत्ता गोभी, गेहूं, अंकुर तेल और मदगार खमीर का मैश करना है विटामिन के साथ में। हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है आपका विटामिन ए। और कच्चा पत्ता गोभी की बात करी जाए, जो कच्ची पत्ती गोभी होती है, तो उसकी बात करी जाए तो उसमें होता है विटामिन क्या? उसमें होता है विटामिन आपका सी। देखिए यहाँ बात करते हैं डाइट, आप इसको याद करिए, आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो मैं डाइट कहना चाहूंगा कि आप डाइट इसको नोट करिए और उसको याद करिए, ठीक है। परमिशन है आगे बढ़े? चलिए, आपकी परमिशन तो मुझे हाँ ही लगेगी। अब देखिए बात करते हैं हम लोग की एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे कि हमने विटामिन सी का भी नाम देखा था, अन्य नाम से जाना था एस्कॉर्बिक एसिड, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड नाम है, कुछ अन्य नाम है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, बिल्कुल जस्ट अभी कुछ टाइम पहले हमने क्वेश्चन देखा था अपना। और जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो आता है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट में, और कैरेटोनॉइड, कैरेटोनॉइड होता है आपका सामक में, और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस ये होता है आपका एंजाइम में, ठीक है। मैश मेकिंग करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसको नोट करें, ये आपका राइट आंसर है। डायरेक्ट इसको अपने नोट्स में बनाइए, नोट्स में लिखिए और उसको याद करिए। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 के मुख्य, सॉरी B12 की एक घटक है? तो उसका राइट आंसर है कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में अधिकांश क्या मात्रा पाई जाती है? कौन सा धातु उपस्थित होता है? उसका नाम बताइए, उसका नाम होता है कोबाल्ट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या? विटामिन B12 कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस विटामिन की कमी होने पर ये प्रणासी रक्त पलपता? शुद्ध हिंदी है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कमी से क्या होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 संबंध है किससे? कोबाल्ट से। क्वेश्चन नंबर 26 में था कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसे यहाँ पे देखिए बात करिए किस विटामिन की कमी से सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, तो देखिए लैंग्वेज चेंज कर दिया अगेन उसने, तो उसका राइट आंसर क्या? B12। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? ये होता है विटामिन ए। और विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह है आपका एपिथेलियमी ऊतकों की सामान्य स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त के स्कंदन में, मतलब क्लॉटिंग, रक्त की जो जो ब्लडिंग होती है उसके ऊपर जो एक क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब जम जाता है खून, थोड़ा सा स्किन हमारी टाइट हो जाती है, हम बोलते हैं खून जम गया, हम कहते हैं खून जम गया, चोट लगी थी खून जम गया उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं क्लॉटिंग, ठीक है। तो रक्त के स्कंदन में मदद करता है, ये करता है विटामिन के। और कई बार देखिए एग्जाम में पूछा गया 2000, 2011, 2004, 2008, और ये काफी ईयर में पूछा गया, जो इस बुक में काफी हद तक मतलब कवर कर रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको फिलहाल लिखे ना, इसको लिखना मत, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 32, रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? वो होता है आपका फाइब्रिनोजिन। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? यह है विटामिन ए। किसका है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ये होता है रतौंधी। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? यह है गाजर। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आप क्या खाएंगे? कॉमन सी बात है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि विटामिन ए के लिए अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसका उस कमी को पूरा करने के लिए आपके पास सब्जियों में क्या स्रोत होगा? तो आपके पास होगा गाजर। गाजर खूब खाइए, विटामिन ए के आप बना सकते हैं बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ये करता है विटामिन ए। प्रतिरक्षा कौन सा विटामिन करता है? ये करता है ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कहीं जाइएगा मत, बताऊंगा मैं आगे, लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, आगे भी बहुत कुछ है। कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस
किसमें होता है? ये होता है नींबू में। किसमें होता है? नींबू में। अब देखिए बात करते हैं 190 जीके के बारे में। ये 1999 से लेकर के 2004 की प्रस्तुति है, काफी प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार कहाँ पूछेगा इसमें से, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में वो सीधे कॉपी करता है, नहीं उसमें पेस्ट करता है, आपका जो पेपर डिजाइन करता है। तो इसमें कुछ आपके लिए नया बासी हो सकता है, लेकिन एसएससी के लिए कोई नया बासी नहीं है। उसके बाद सिंगल एक फाइल बन रखी है, उसमें ईयर नहीं लिखा होता, वो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और सीधे पेश कर देते हैं। उनको नहीं पता कि ये क्वेश्चन 99 में आया था या किस में आया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि 2017 चल रहा है आपका एग्जाम डिजाइन हुआ, तो 2016 के सेम तीन क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, सेम डिट्टो, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक ही फाइल चलती है उनके पास में, एक ही सॉफ्टवेयर उनके पास में होता है, वहीं से उठाते हैं, वहीं पेश कर देते हैं। तो ये ईयर वाला आपका वहम होता है कि ठीक है यार पुराना है, क्या आएगा, नहीं पढ़ना, छोड़ो यार, बंद करो, नहीं पढ़ रहे उसको। तो ठीक है, ना पढ़ने के 100 बहाने और पढ़ने के लिए तो एक छोटी सी रोशनी बहुत है। इसके साथ पढ़ते थे, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन में से विटामिन शरीर का ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन ऊर्जा प्रदान हमारी बॉडी में नहीं करता है, याद रखिएगा। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन में से जो है विटामिन, ठीक है, हमारी बॉडी में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने इस वीडियो में देखा था, ठीक है। अब देखिए किस तरह से हम लोगों को अपनी नॉलेज को चेक करना है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी एक तो सूरज से मिलता है और मिलता है मछलियों के यकृत तेल में। यकृत होता है उसमें तेल होता है, उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। या तो सूरज के सामने बैठ जाओ मालिश करके, या फिर उसका मछली का यकृत निकालो, उसके में फिर तेल निकालो, फिर उसके बाद में उसका सेवन करो। आगे अगला क्वेश्चन से देखो, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन तथा एड्रेनालिन में से केवल राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। इसमें से कौन सा एक विटामिन है आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, चार ऑप्शन देगा, तो राइट आंसर होगा आपका राइबोफ्लेविन। ये आया था एमटीएस 2002 के एग्जाम में। अब हम आगे बात करते हैं, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। सूरज से सिंपल विटामिन डी मिलना है तो बॉडी में क्या होगा, विटामिन डी ही उत्पन्न होगा, विटामिन सी उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर सूरज संतरे उगले, आंवला उगले, आग की जगह विटामिन डी की जगह, तो विटामिन सी उत्पन्न हो सकता है सूरज से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे होगा पता नहीं, साइंस कुछ ऐसी नई खोज कर दे तो कुछ कह नहीं सकते। आगे बात करते हैं हम लोग, आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। अगर बात करी जाए विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, आंवला है, ठीक है। और विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है दूध में। विटामिन B12 मैक्सिमम किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका दूध में। आगे बात करते हैं हम लोग की, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अरविंद कार्लसन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एसएससी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स, इसको बोलते हैं सैक्रीन, में शून्य कैलोरी ऊर्जा होती है। एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान करते हैं। विटामिन डी किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होने वाला विटामिन है। सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ये होता है लोहा, मतलब आयरन। और आज के टाइम पे जो हमारी लाइफ चल रही है उसमें से साग सब्जी गायब हो गई है। आज के टाइम पे साग सब्जी किसके लिए यूज होती है, वो होती है भैंस के लिए, बकरियों के लिए, ठीक है। हम लोग साग सब्जी नहीं खाते जबकि ये चीज खानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, ठीक है, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा। इसकी जो सीमा है प्लीज यहीं तक मत रहने दो इस वीडियो की, इस वीडियो को इतना पहुंचाओ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आपका नंबर रियल में आए, मुझे कमेंट बॉक्स में मिले, आपका कोई ऐसा रिप्लाई आए कि हाँ सर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। और आप जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और सब्सक्राइब अभी प्लीज मत करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पहले आप घटनाचली प्ले लिस्ट में जाइए, उसको देखिए आपके वीडियो कितने यूजफुल हैं या फिर कितने नहीं है, उसके बाद में आप सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा उसके बाजू में, उसके बगल में, उसके साइड में, उसकी बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं, केवल सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो का, ठीक है। अगर बेल आइकन पे क्लिक करते हैं आप, तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा सा आपको बीच बीच में थोड़ा डांटा भी होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, बट कभी कभी डांट जो अगर अपनों की होती है तो लाभदायक होती है। ठीक है, चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे उत्सर्जन तंत्र की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।